क्या कर रहे हो? मच्छर मार रहे हो? टुमका कर रही है बेटू, टुमका कर रही है बेटू, अमीशु ना पकड़ने लगे ये सामान, तो देखो अभी ये लो अमीशु, लो अमीशु। मैंने नाखून काट दिया इसके, क्योंकि काफी ज्यादा ही बड़े हो गए थे इसके नाखून, ये देखो, और इसकी वजह से इसने यहाँ पे नाखून मार लिया, ये देखिए, ये रहा और ये रहा, मतलब काफी जगह पे इसने नाखून मार लिया है, इसने मैंने कट कर दिया। और पैर के नाखून दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो कितने बड़े हो रहे हैं। सर्दी की वजह से सॉक्स ज्यादा खुलते नहीं थे, पहन ही रखती थी, इसकी वजह से काफ़ी बड़े हो गए, तो अभी इसको भी कट कर देती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने छाछ, और उसके बाद थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया, जितना आपको कड़ी बनाना उसी हिसाब से आप बेसन ले सकते हो। उसमें डाल दिया है सारे बेसिक मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, लम्स न रहे। और उसके बाद तेल लिया है थोड़ा, उसमें डाल दिया है मैंने हींग, जीरा और कड़ी पत्ता, उसके बाद थोड़ा सा प्याज, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना। उसके बाद डाल दिया है जो अभी कड़ी बेसन मिक्स करा था छाछ में वो, इसको अच्छे से चलाना है पानी डाल के, और अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हो। एंड जब तक बॉईल हो रहा है तब तक यहाँ पे प्याज मैंने चॉप कर लिया है, उसके बाद इसमें डाला है मैंने सारे बेसिक मसाले, नमक और उसके साथ थोड़ा सा बेसन, जितना बेसन चाहिए, और पानी डाल के मिक्स कर लेना अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे पकौड़ी रेडी कर रही हूँ, तो साथ में ही निकाल के मैं रख दूँगी कढ़ी में, कढ़ी बॉईल हो रहा है तो इसमें मैं 2 से 3 मिनट पकाऊँगी और बस बंद कर दूँगी। और उसके बाद ये पकौड़े निकाल रहे हैं खाने के लिए, जो कि चाय के साथ कोई नाश्ता नहीं था, यही खा लेंगे, मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये सेकंड बैच चल रहा है, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। फुल डे रूटीन शेयर करा है मैंने, और मीशो के साथ, रियांश के साथ कैसा टाइम जाता है वो शेयर करा आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं छौंका लगा रही हूँ हींग और लहसुन और सूखी मिर्च का, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, इस तरीके से बना के देखना, बहुत टेस्टी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है 7 तारीख। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। आज 7 तारीख है और अभी 3:30 बज रहे हैं, और मैं लेटी हुई हूँ, मीशू भी अभी सो के उठ गई है, और इधर रियान सो रहा है। तो अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मीशू को चाहिए फ़ोन। मीशू हेलो कर दो सबको। यस, मीशू ने हेलो कर दिया, हेलो कर दो सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक मम्मा चैनल। मीशू हाँ, वेलकम बैक कर दो सबको, वेलकम बैक मम्मा चैनल। बोला करा। तो गाइस, मीशू अभी 5.5 महीने की हो चुकी है, और बस कुछ टाइम, मतलब कुछ दिनों में ये 6 महीने की भी हो जाएगी। तो मैं उसका आपको फर्स्ट जो फूड वो इनटेक करेगी वो आपको ज़रूर व्लॉग बना के दिखाऊंगी, वो क्या मैं क्या खिलाती हूँ उसको फर्स्ट फूड, और सोच रही कुछ अच्छा सब खिलाऊंगी। और ये देखो, छोटे बेबी के साथ डार्क सर्कल कितने हो गए हैं। तो जब मीशो 6 महीने की हो जाएगी तो थोड़ा सा वो अपने टाइम टेबल में आ जाएगी, और उसके बाद हम अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे। तो मैं मिलूँगा आपको थोड़ी देर में। लगभग तो गुड इवनिंग रियांश, गुड इवनिंग। फिर क्या है, जाओ करके आओ सुसु, उठो स्टैंड अप, उठो 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 मीशो, उठो उठो, तुम जाओ, जाओ करके आओ, बाबू को ले रखा है ना मम्मा ने, जाओ
गुड मैं भी चलूं चलो गलती से लगा ना बाबू को चोट गेट खोल दिया चलो ठीक है हम खाने जा रहे हैं तिल गुड़ जो कि मम्मी ने बना के दिया था और मुझे काफी टेस्टी लगता है तो अरे रियांश तिल खा रहे हो खाओ उसमें देखा उसमें उस वाले हाथ में है दिखा उसमें है दूसरे हाथ में है दूसरे वाले हाथ में तू मम्मा को पागल हो ना रे हाँ इस ये रहा ना उस वाले हाथ में है उस वाले हाथ में बेटा उस वाले हाथ में है